वेलकम टू ITI मैकेनिकल गुरु। सुपर 30 सीरीज की यह हमारी सातवीं वीडियो है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल गुण है जो किसी भी कर्तन उपकरण की सामग्री के पास होना चाहिए। इसके ऑप्शन है कोल्ड हार्डनेस, रेड हार्डनेस, कोल्ड हार्डनेस और रेड हार्डनेस दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बोथ, कोल्ड हार्डनेस एंड रेड हार्डनेस। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, स्क्रू जैक में किस प्रकार की चूड़ियाँ होती हैं। जैसा कि आपने स्क्रू जैक देखा होगा, जब हमारी गाड़ी या फोर व्हीलर पंचर हो जाती है तो उसको उठाने के लिए हम स्क्रू जैक का प्रयोग करते हैं। तो उसके जो चूड़ियाँ कटी होती हैं उसमें वह कौन सी चूड़ियाँ कटी होती हैं। तो इसके जो ऑप्शन है, एक्मे चूड़ियाँ, स्क्वायर चूड़ियाँ, भी चूड़ियाँ और इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा स्क्रू जैक होता है उसमें स्क्वायर चूड़ियाँ कटी होती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेथ मशीन के लीड स्क्रू में किस प्रकार की चूड़ियाँ होती हैं। तो लेथ मशीन आपने देखी होगी वर्कशॉप में, उसके लीड स्क्रू में किस प्रकार की चूड़ियाँ होती हैं। एक्मे चूड़ियाँ, भी चूड़ियाँ, बटरेस चूड़ियाँ और इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा जो लेथ मशीन का लीड स्क्रू होता है, जब हम चूड़ियाँ काटते हैं लेथ मशीन पर, तो उसमें जो एक्मे वो होता है लीड स्क्रू, उसमें एक्मे थ्रेड्स कटी होती हैं, और एक्मे थ्रेड्स का जो वो एंगल होता है वो होता है 29 डिग्री, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्केंद्र टर्न्ड जॉब को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात जो इसेंट्रिक टर्निंग वाला जॉब होता है उसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पावर प्रेस में, पावर ब्रेक में, ग्लोटिन मशीन में और ये सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, क्योंकि पावर प्रेस, पावर ब्रेक और ग्लूटेन जो मशीनें होती हैं, इन सभी में जो एसेंट्रिक जॉब होता है हमारा, उसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा मानक टेपर ज़्यादा डाई सिंकिंग मशीनों में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है मोस टेपर, मीट्रिक टेपर, जार्नो टेपर, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जार्नो टेपर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा खराद उपसाधक टर्निंग के दौरान केंद्र समर्थन के अलावा एक लंबे पतले कार्यखंड को अतिरिक्त सहारा देता है। तो ऑप्शन है इसके स्टडी रेस्ट, लीड स्क्रू, नर्लिंग उपकरण और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ये दिया गया है कि जब हम लेथ में लंबे वर्क पीस पर टर्निंग करते हैं, लंबे वर्क पीस की, तो उस पर जो हम वर्क पीस को सहारा देने के लिए किस खराद के एक्सेसरीज, मतलब लेथ एक्सेसरीज का उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टडी रेस्ट, स्टडी रेस्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मानक है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन स्टैंडर्ड। तो ऑप्शन है BIS, DIN, GIS, AISI। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BIS। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, अर्थात व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एनीलिंग। ऑप्शन है मशीन योग्यता में सुधार करना, सेकंड ऑप्शन है चुंबकत्व में सुधार करना, प्लास्टिसिटी बढ़ाना, कठोरता बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मशीन योग्यता में सुधार करना, टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो है वो कर्तन क्षमता बढ़ाने के लिए स्टील पर कौन सा ऊष्मा उपचार किया जाता है, अर्थात विच हीट ट्रीटमेंट इज डन ऑन स्टील टू इंक्रीज इट्स कटिंग एबिलिटी। तो इसके जो ऑप्शन है वो है एनीलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग और नॉर्मलाइजिंग। अर्थात कटिंग, जब हमें कटिंग क्षमता बढ़ानी होती है तो स्टील पर कौन सा ऊष्मा का उपचार किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हार्डनिंग। जब हम कटिंग क्षमता बढ़ाते हैं तो स्टील पर हार्डनिंग की जाती है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, हेमेटाइट एस्क से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों यह परीक्षा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर दिया है हेमेटाइट अयस्क से, ऐसे ही एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है उससे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें ध्यान रखना है। चलिए अब इसे
समझ लेते हैं। हेमेटाइट एस्क से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? तो इसके ऑप्शन है तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा और जस्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा, क्योंकि ये लोहे का अयस्क होता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों लोहे के अयस्क होते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा लीड और पिच के बीच सही संबंध दर्शाता है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लीड एंड पिच। तो इसके ऑप्शन है लीड बराबर पिच प्लस प्रारंभ की संख्या, लीड बराबर पिच माइनस प्रारंभ की संख्या, लीड बराबर पिच गुणा प्रारंभ की संख्या और लीड बराबर पिच अपॉन प्रारंभ की संख्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लीड बराबर पिच गुणा प्रारंभ की संख्या, अर्थात लीड इज इक्वल पिच मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टार्ट्स। जो लीड हमारी होती है वह पिच और जो हमारी प्रारंभ की संख्या होती है अर्थात चूड़ियाँ जब हम करते हैं तो उसमें कितने जैसे बहु चूड़ियाँ होती हैं डबल स्टार्ट है तो प्रारंभ की संख्या के स्थान पर 2 आ जाएगा, यदि ट्रिपल चूड़ियाँ होती हैं तो 3 आ जाएगा और सिंगल चूड़ियाँ हैं तो 1 आ जाएगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है वेयर डज द मिलिंग अटैचमेंट फिटेड ऑन द लेथ मशीन, अर्थात लेथ मशीन पर मिलिंग अटैचमेंट को कहाँ लगाया जाता है। तो ऑप्शन है टेल स्टॉक पर, क्रॉस स्लाइड पर, हेड स्टॉक पर और इनमें से कोई नहीं। तो आपने भी कभी देखा होगा वर्कशॉप में कि लेथ मशीन पर जो मिलिंग अटैचमेंट लगा होता है तो उसको हम क्रॉस स्लाइड पर लगाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रॉस स्लाइड पर। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाफ्ट के बाह व्यास को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है प्लग गेज, रिंग गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज और फीलर गेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिंग गेज, अर्थात जो हमारी शाफ्ट होती है उसके बाह व्यास को मापने के लिए हम रिंग गेज का उपयोग करते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, चित्र में दर्शाए गए बेल्ट ड्राइव के प्रकार को पहचानें। इसमें जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं या फिगर देख रहे हैं इसमें आपको ये बेल्ट ड्राइव का जो प्रकार दिया गया है उसको हमें पहचान कर बताना है। ऑप्शन है इसके ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, वी बेल्ट ड्राइव और नन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रॉस बेल्ट ड्राइव। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ये यहाँ पर देखिए यहाँ से ये क्रॉस में है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रॉस बेल्ट ड्राइव। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस आयाम को डायल कैलिपर द्वारा मापा जा सकता है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस कैन बी मेजर्ड बाय डायल कैलिपर, अर्थात डायल कैलिपर द्वारा हम किस प्रकार की माप को माप सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है बाह्य व्यास, आंतरिक व्यास, बाह्य और आंतरिक व्यास दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड डायमीटर, अर्थात बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के व्यासों को हम डायल कैलिपर द्वारा माप सकते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन कैपिस्टन लेथ का एक मुख्य हिस्सा है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन पार्ट ऑफ कैपिस्टन लेथ। ऑप्शन की बात करें हेड स्टॉक, टूल पोस्ट, फीड रॉड और ये सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी, क्योंकि ज्यादातर जो लेथ मशीन होती हैं उनमें हेड स्टॉक, टूल पोस्ट और फीड रॉड तो इनमें अवश्य पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन घर्षण रोधी बियरिंग है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो इसके जो ऑप्शन है वो है सॉलिड बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग, वाल बियरिंग और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा वाल बियरिंग, क्योंकि वाल बियरिंग जो होता है उसमें गोल बाल लगी रहती हैं जिससे क्या होता है ये घर्षण रोधी जो होता है यह घर्षण रोधी होता है और इसलिए इसे घर्षण रोधी बियरिंग कहते हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा कूलेंट ऑफ के लिए कमांड है? अर्थात जब हम सीएनसी पर प्रोग्रामिंग देखते हैं तो ये सीएनसी का क्वेश्चन है, तो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कमांड फॉर कूलेंट ऑफ, अर्थात कूलेंट बंद करने के लिए हमें किस प्रकार की कमांड देनी पड़ती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसकी ऑप्शन है M00, M05, M07 और M09। तो कूलेंट ऑफ करने के लिए सीएनसी मशीन में हमारे लिए कमांड बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा M09। जब आप सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो आपको ये एम कोड और जी कोड याद करने पड़ेंगे, तब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बता पाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हर परीक्षा में सीएनसी मशीन से एक से दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को ये जी कोड और एम कोड याद कर लेना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कर्तन गति भी मीटर प्रति मिनट और टूल लाइफ टी मिनट है, तो टूल लाइफ और कर्तन गति के बीच क्या संबंध होगा? अर्थात इफ द कटिंग स्पीड इज भी मीटर पर मिनट एंड टूल लाइफ इज टी मिनट्स, देन व्हाट विल द रिलेशनशिप बिटवीन टूल लाइफ एंड कटिंग स्पीड, जहां पर एन और सी नियतांक है। तो ऑप्शन है वी इज इक्वल एन टी सी, वी एन इज इक्वल टी सी, वी टी एन इज इक्वल सी और नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वी टी एन इज इक्वल सी, अर्थात ऑप्शन सी वी टी एन इज इक्वल सी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।